हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आशिमा शो। आज सुबह जब उठी और मोबाइल उठाया तो सबसे पहली खबर पढ़ के बहुत बुरा लगा। वर्सेटाइल एक्टर इरफान खान हमारे साथ नहीं रहे। सभी इंडियंस के मन में एक ही बात कि इतनी जल्दी क्यों चले गए इरफान खान। ना बस हिंदी मूवीज में अपनी डायलॉग डिलीवरी से जान डाल देते थे, बल्कि स्लम डॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, जुरैसिक वर्ल्ड जैसी हॉलीवुड मूवीज में भी अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया। आप हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। यूजुअली मैं ट्राई करती हूँ आप सबके लिए डेली एक वीडियो बनाऊं। जब कभी बाहर जाने का मौका मिलता है तो यूएस के ब्लॉग्स बनाती हूँ, नहीं तो कोरोना वायरस पे लेटेस्ट अपडेट्स पे आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मैं अपनी कुछ असाइनमेंट्स बनाने में बिजी हो गई, तो पिछले 3-4 दिनों में मैं वीडियो नहीं बना पाई। अभी ट्राई करूंगी डेली वीडियो डालने की, तो आप सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन घंटी दबाना मत भूलना, ताकि आप मेरी वीडियो मिस ना कर दें। दोस्तों, लॉकडाउन के पार्ट 2 की एक्सपायरी डेट आने वाली है मई 3। कुछ ग्रीन जोन की कैटेगरी में आने वाले जगहों पे तो लॉकडाउन में ऑलरेडी ढील दी गई है, लेकिन कुछ जगह अभी भी कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सिचुएशन की जानकारी ली। कोरोना को खत्म करने का सबसे आसान उपाय है अधिकतम टेस्ट। जितने ज्यादा परीक्षण होंगे, हमें इस बीमारी के संक्रमण के बारे में उतना सही अंदाजा हो पाएगा। भारत ने चाइना से जो टेस्टिंग किट्स इंपोर्ट की थी वो तो मोस्टली फॉल्टी निकली, तो अभी मास टेस्टिंग पे रोक लगा दी है। ICMR का कहना है कि 69% कोरोना पॉजिटिव भारतीयों में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, बावजूद इसके कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं। इसका मतलब साफ है कि हाउसिंग सोसाइटी, बाजार, हर उस जगह हमें जाकर रैंडम टेस्ट करना होगा। इसी बीच लोगों को साफ साफ पता नहीं चल रहा है कि कोरोना की भारत में अभी क्या स्थिति है। इस वीडियो में इसी टॉपिक को क्लियर करूंगी, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के 30 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग मौत के गाल में समा गए। भारत में भी हालत चिंताजनक है। 33,000 से ज्यादा मामलों में 1,000 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और अगर नजर डाली जाए डेली नए आने वाले मामलों के ऊपर, तो ग्राफ में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये नंबर दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, इससे ये क्लियर हो जाता है कि इकोनॉमी को बचाने के लिए, ताकि लोग भूखे ना मरे, लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने की बात हो रही है। आप ये मानने की गलती ना करें कि लॉकडाउन में छूट मिल रही है तो अब कोरोना नहीं है। कोरोना का खतरा तो पहले से अभी कहीं ज्यादा है। संडे को मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि देश युद्ध के बीच खड़ा है और लोगों को सावधानी बरतना जारी रखना होगा। तो प्लीज सतर्क रहें और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना जाएं। दूसरे देशों की तरह भारत सरकार को संक्रमण रोकने का जो रास्ता सबसे बेहतर दिख रहा है वो है लॉकडाउन। लेकिन इसने जिंदगी और आर्थिक व्यवस्था का पहिया रोक दिया। दरअसल लंबे लॉकडाउन से इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है। लॉकडाउन पार्ट 3 कुछ और जिलों में ढील देने की बात हो रही है, लेकिन बसों और ट्रेन पर रोक भी जारी रह सकती है, क्योंकि इससे वायरस जंगल की आग की तरह फैल सकता है। अगर एक भी संक्रमित हुआ तो बहुत से लोग संक्रमित हो जाएंगे, इससे तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे कई राज्य अपने मजदूरों और छात्रों को लाने की बात कर रहे हैं। बिहार डिप्टी CM सुशील मोदी का कहना है कि बिहार के 20 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। केंद्र ने लोगों को वापस लौटने के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे प्रोटोकॉल के तहत यात्रा करने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जिसमें लक्षण नहीं दिखेंगे उनको ही ट्रैवल करने की परमिशन होगी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाले व्हीकल्स की मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा और उन्हें गुजरने की अनुमति देनी होगी। बसेस को सैनिटाइज किया होना चाहिए। ट्रैवल करने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करनी होगी, ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। पंजाब में लॉकडाउन 2 सप्ताह बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है, यानी वहां 17 मई तक कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन थर्सडे से संक्रमण से कम प्रभावित इलाकों में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे के लिए दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन हेयर कटिंग सैलून या ब्यूटी पार्लर अभी भी बंद रहेंगे। पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने साथ ही कहा कि विशेषज्ञों की ओर से अलग अलग तरह की मत आ रही है। ऐसा लगता है कि ये संकट जुलाई अगस्त तक नहीं बल्कि सितंबर तक जारी रह सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।